बारिश के कारण दुकान पे नहीं गया, तो कोई बात नहीं, वहीं पे कोई बात नहीं, आपने लिखते किए ना हैं। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो किए ना। सर हाँ, तो बस मैं यही पूछ रहा हूँ, कितने बच्चों ने क्वेश्चंस किए, कितने बच्चों ने नहीं किए। आपकी मैं स्क्रीन अपनी पे कॉपी दिखाऊं? हाँ, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन सबको दिख रही है ना? पहले बताओ कितने यस, मैं बच्चों ने। अपनी कॉपी दिखाऊं? ठीक है, ठीक है, नहीं कॉपी में बाद में देख लूंगा, पहले हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हमारी जो रिवीजन क्लास चल रही है उसका आज, उसकी आज हमारी थर्ड क्लास है। और पिछली क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पूर्णांकों को कैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, ये हमने सीखा था। तो एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ आपको जल्दी से। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या क्या सिखाया था? सबसे पहली चीज मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी कि अगर दो चिन्ह एक साथ आ जाए, जैसे प्लस और ये माइनस, ये दोनों एक साथ आ गए ना, इनके बीच में कुछ नहीं है, दोनों एक साथ आ गए, तो इनकी क्या होती है? गुणा होती है। जब दो चिन्ह एक साथ आ जाएं तो उनकी क्या होती है? गुणा होती है। जैसे प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ गए, इनके बीच में कुछ नहीं है ना, प्लस के बाद सीधा माइनस आ गया, तो इसलिए इनकी गुणा होगी। ठीक है, तो इनकी गुणा होकर क्या आएगा? माइनस। प्लस की माइनस में गुणा होकर क्या आता है? माइनस। माइनस की माइनस में गुणा होकर क्या आता है? प्लस। ये मैंने आपको बताया था। और माइनस की प्लस में गुणा होने पर भी माइनस, और प्लस की प्लस में गुणा होने पर प्लस। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। तो अब क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मैंने लिखा माइनस, ब्रैकेट लगाया और एक और माइनस लगा दिया, मैंने लिखा माइनस फिर ब्रैकेट लगाया एक और माइनस लगा दिया, यहां पर भी दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, माइनस के बाद सीधा माइनस, तो इनकी भी क्या होगी? गुणा होगी। और इनकी गुणा होकर क्या हो बचेगा? प्लस। ठीक है, पहली चीज तो मैंने आपको यह बताई थी कि जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने बताया था कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, अगर चिन्ह एक जैसे हैं, अगर चिन्ह एक जैसे हैं, तो उनको क्या किया जाता है? संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। और अगर चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होता है? घटाते हैं। घटाते चिन्ह अलग अलग है तो घटाते हैं। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? आंसर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सिखाई थी ये सब चीजें। ठीक है, तो एक बार एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा -5 माइनस -8 प्लस -4, मैंने कहा इसको सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जो मैंने तीनों आपको नियम बताए वो तीनों नियम यहाँ पर लगेंगे। सबसे पहले आ रहा है -5, तो -5 ऐसे का ऐसे ही रहा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, -5 ऐसे का ऐसे ही रहा। अब देखो ये दो चिन्ह एक साथ आ गए, माइनस के बाद सीधा माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस यानी माइनस की माइनस में गुणा होगी, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर क्या आया? 8। इसके बाद फिर से दो चिन्ह एक साथ आ गए, दो साइन एक साथ आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का, तो इसलिए फिर से इनकी गुणा होगी। गुणा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, ये प्लस और माइनस के बीच में कुछ है नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता गुणा के अलावा। तो प्लस की मैंने माइनस में गुणा की तो माइनस आया और 4 बच गया। यहां तक सबको समझ आया? ये बताओ तुम, इस स्टेप तक सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ। पहले मैंने -5 जैसा था वैसा लिखा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस आया और 8 लिख दिया, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर 4 लिख। ठीक है, अब मैं इनको दो दो करके सॉल्व करूंगा। पहले मैं लूंगा -5 और 8 को, तो 5 कैसा है? 5 कैसा है? माइनस का। 8 कैसा है? प्लस का। चिन्ह क्या है? अलग अलग है, और मैंने बताया जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। और उत्तर का चिन्ह क्या है? बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है, तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है? 5 और 8 में से 8। 8 के आगे क्या लगा है? प्लस, तो इसलिए इसके आगे भी क्या आया? प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या आया? -4। तो क्या बचा आप मेरे पास यहां पर? 3 -4। अब 3 कैसा है? प्लस का। 3 कैसा है? प्लस का। 4 कैसा है? माइनस का।
चिन्ह क्या है, अलग अलग है, चिन्ह क्या है, अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो चार में से तीन घटाओगे तो क्या आया, एक। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के समान, चार और तीन में से बड़ा क्या है, चार, उसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो यहां पर आ गया माइनस। देखो आप लोग अधूरा काम कर रहे हो, आप सिर्फ घटा के आंसर लिख रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको आंसर लिखने के बाद चिन्ह भी तो देखना है क्या आएगा। अगर मैं आपसे कहूं तीन माइनस चार कितना होगा, है ना, एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं तीन माइनस चार कितना होगा, तीन माइनस चार कितना होगा, तो आप क्या कर रहे हो, तीन के साथ प्लस लगाए, चार के साथ माइनस लगाए, तो ये घटेंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो एक आ गया। अरे इस एक का भी तो कुछ चिन्ह होगा, ये जो एक आया है इसके आगे भी तो प्लस या माइनस लगेगा, वो कहां से लगेगा, वो यहां से लगेगा। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा क्या है, तीन और चार में से चार, चार के आगे माइनस है, बड़ी संख्या के चिन्ह को आंसर में लगाना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। आंसर तभी कंप्लीट होगा जब तक आप जब आप बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आंसर में आना चाहिए, ये बात अपने दिमाग में एकदम कहते हैं ना ऐसे रख लो कि हमेशा याद रहे। आप लोग एक 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 आंसर दे रहे हो, आप इसका चिन्ह भी तो लगाओगे, बड़ी संख्या चार है तो चार के आगे माइनस लगाए तो यहां पर माइनस भी तो आएगा। आया सबको समझ में, बताओ बताओ सबको समझ में आया, किसी को डाउट है तो पूछ। ठीक है सवाल करते हैं फिर, 12 प्लस 4 प्लस माइनस 11 इसका आंसर करना है, 12 प्लस 4 प्लस माइनस 11, 12 प्लस 4 प्लस माइनस 11 करो सॉल्व, और जिनका मैं नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएंगे, पहले सॉल्व कर लो सभी लोग। सभी लोग सॉल्व करिए, सर आपकी स्क्रीन चली गई, एक मिनट, स्क्रीन कैसे चली गई, आ रही है स्क्रीन, स्क्रीन आ रही है, सॉल्व करिए सभी लोग। बारह प्लस चार प्लस माइनस ग्यारह, ठीक है, तो मैं जिसका नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी दिखाएंगे, पहले मैंने अगर नाम नहीं लिया है तो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, जिसका मैं नाम लूंगा वही कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएं। नितिन, नितिन सॉल्व किया आपने, कोई आंसर नहीं। मिस्टर विलन, मिस्टर विलन नाम से जो स्टूडेंट हैं आपने सॉल्व किया, ठीक है, सुनो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पहले उस बात का आपको जवाब देना है, चैट में जवाब देना हो, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा, आप हो और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आप हो और आपका एक फ्रेंड है, दोनों साथ बैठे हो और आप अपने फ्रेंड से कुछ बातें कर रहे हो, लेकिन आपका फ्रेंड आपकी बात का कुछ जवाब नहीं दे रहा, आप बोले जा रहे हो वो जवाब नहीं दे रहा, आप बोले जा रहे हो आप जवाब नहीं, वो जवाब नहीं दे रहा, तो कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा बताइए, खराब लगेगा, तो ऐसे ही मुझे भी खराब लगता है अगर मैं किसी का नाम लेता हूं और उसकी तरफ से कोई जवाब ना आता हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अगर मैं नाम ले रहा हूं तो आप मुझे सवाल ही दिखाओ, आप मुझे माइक ऑन करके ये बोल दो कि सर मुझे समझ नहीं आया,
या अभी हुआ नहीं है या कोई और रीजन हो वो दे दो, लेकिन कम से कम अगर मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, तो आप बता सकते हो ना मुझे माइक ऑन करके। सर समझ में नहीं आया। ओके, मैं जिसका नाम लूँ उसकी बात कर रहा हूँ, अभी आप माइक बंद कर लो, वो मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आप क्लास में ही आ जाए। ठीक है, यस, तो आंसर दिया करो, अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो आंसर दिया करो। ठीक है, चलिए, ओके, तो परीक्षित आप दिखाओ आपने कैसे किया सॉल्व। ओके परीक्षित, 12, 4, 16, 16 में से आपने 11 को घटाया 5, वेरी गुड वेरी गुड। परीक्षित के बाद दिखाएंगे अपनी कॉपी मुझे मनीष। मनीष ओके, मनीष वेरी गुड एक्सीलेंट। मनीष के बाद अपनी कॉपी मुझे दिखाएंगे देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है, 12 + 4 + -11 था, ठीक है, तो 12 कैसा है प्लस का, पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 + 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -11, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। अब 12 कैसा है प्लस का, 4 कैसा है प्लस का, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम उनको जोड़ देते हैं, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, और इसका चिन्ह क्या होगा, 12 और 4 में से बड़ा क्या है 12, 12 के आगे प्लस है तो इसके आगे भी प्लस ही आ गया, उसके बाद माइनस 11, तो क्या बचा 16 - 11, 16 कैसा है प्लस का, 11 कैसा है माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 16 में से 11 घटाओगे तो 5 आया, 16 और 11 में से बड़ा क्या है 16, 16 के आगे क्या लगा है प्लस, तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा प्लस, इसलिए इसका आंसर क्या आया +5। ठीक है, आया सबको समझ में, मैंने 3 रूल बताए थे, वो 3 रूल अपनी कॉपी में लिख लो और उन रूल को पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस किया करो ना। मैंने 2 छोटी सी चीजें बताई, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ दो, अलग अलग है तो घटा दो, ठीक है, और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह अपने आंसर में लगा दो, बस यही तो करना है, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ दो, अलग अलग है तो घटा दो, और आंसर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह वाला रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला सवाल है -12 + -4 + -11, इसको सॉल्व करिए, और जिनका मैं नाम लूं वो आप कॉपी दिखाएंगे। -12 + -4 + -11, जिन बच्चों का होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। ठीक है, सुनील शिमर नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। सुनील शिमर नाम से जो स्टूडेंट हैं, सर कॉपी कैसे दिखाते हैं, कॉपी कैसे दिखाते हैं, कैमरा ऑन करना, कैमरा ऑन करना आता है, हमारे फोन की स्क्रीन टूट रही है, काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो कोई बात नहीं,
फिर भी आप कैमरा ऑन तो करो, कैमरा थोड़ी टूट रहा होगा, कैमरा तो काम कर रहा होगा ना। हाँ जी, कैमरा काम कर रहा है, कैमरा भी टूट रहा है, बताइए जी। कैमरा टूट रहा पिछला। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसे बता दो कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ मैं क्या लिखूं, बताओ मैं क्या लिखूं। आपने हैंड रेज किया कि आपने क्वेश्चन कर लिया, बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पर सर। माइनस 12। ओके सर माइनस 4। ओके सर प्लस 11। प्लस 11, देखो प्लस की माइनस में भी गुणा करोगे तो प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस 11 ही आएगा। ये जुड़ जाएंगे क्या, कौन से जुड़ेंगे सर? 12 प्लस 4 सर माइनस 12 माइनस 4 माइनस 11। हाँ क्या आएगा सर? 27 सर। की साइन एक्स एक जैसे प्लस हो जाएंगे। ओके तो मैं 12 और 4 को जोड़ दूं, है ना? यस सर। तो 16 आ गया। 16 का साइन क्या होगा सर? प्लस का। अच्छा सर माइनस माइनस प्लस। 16 माइनस 11 सर, इसमें 16 11 जोड़ देंगे। 16 का चिन्ह क्या होगा पहले बताओ। बारह और चार में से बड़ी संख्या क्या है? 12 है ना? यस सर। तो 12 के आगे माइनस लगाए। यस सर। तो इसलिए 16 के आगे भी माइनस लग जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर क्या बचा? माइनस 11। यस सर। अब मैं दिखाऊं सर अपनी कॉपी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जिनका हो गया थोड़ा वेट कर। 16 के आगे माइनस लगाए, 11 के आगे माइनस लगाए, चिन्ह एक जैसे हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं, प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 16 और 11 क्या होगा? 27। अब क्या चिन्ह आएगा 27 के आगे? सर प्लस। क्यों सर? माइनस माइनस प्लस होगी। आप समझ नहीं रहे, आपको चिन्ह वो लगाना है जो बड़ी संख्या का है। 16 और 11 में से बड़ा क्या है? 16। 16 के आगे क्या है? माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। दोबारा समझ लो, मैं पूरा दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बार। जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान दें थोड़ा। माइनस 12 तो ऐसे का ऐसे ही रहा। मैंने बताया था जब दो चिन्ह एक साथ आए, जैसे ये प्लस और ये माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, इनके बीच में कुछ है नहीं, इसका मतलब यही होना है दोनों एक साथ आ गए, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब कोई संख्या नहीं है। तो प्लस की माइनस में क्या होगी? गुणा होगी। तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। और क्या आया? 4। इसके बाद दोबारा से प्लस और माइनस एक साथ आ गए तो इनकी गुणा हो जाएगी, प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस। क्या बचा? 11। अब 12 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। 4 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों, जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों, जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों तो उनको जोड़ते हैं, तो उनको उन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, किस किस के? 12 और 4 के, तो इनको हम जोड़ेंगे। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 16। क्यों जोड़ा? क्योंकि 12 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, चिन्ह एक जैसे, तो इनको जोड़ा। और 12 और 4 में से बड़ा क्या है? 12। 12 के आगे माइनस लगाया तो इसके आगे भी माइनस लग गया, और क्या बचा? माइनस 11। अब दोबारा 16 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। 11 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो तो उन संख्याओं को जोड़ते हैं, इनके चिन्ह एक जैसे हैं तो इनको जोड़ो। 16 और 11 कितना हुआ? 27। 16 और 11 में से बड़ा क्या है? 16। 16 के आगे क्या लगा है? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आया? माइनस। तो इसका आंसर क्या हुआ? माइनस 27। आया समझ में? सर मैं कॉपी दिखाऊं? देखो मुझे पता होगा आप लोगों ने कर लिया होगा, तो अभी रुक जाओ, पहले मैं सबसे पूछ लूं फिर मैं देख लूंगा। जिनका हो गया वो रुक जाओ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ, उनको आया समझ में कुछ हल्का फुल्का? 5%, 10%, 15%, 20%, कुछ समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया है तो वेरी गुड, नहीं आया है तो एक और सवाल कर लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन हो गई है गायब, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, -5 + -4 -5 + -4 इसका आंसर बताओ क्या होगा। तब तक मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर, सर -5 के बाद +-4 +-4 सर -9 ओके वेरी गुड सर -9 ओके सर -9 ओके सर -9 सर -9 ठीक है, एक मिनट। कैसे आया -9, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, -5 + -4 बताओ, कौन बताना चाहता है? सर जो -5 है वो ऐसे का ऐसा उतार उतार दे, ठीक है, उतार दिया। सर उसके बाद दिखाओ, उसके बाद सर प्लस माइनस हो गया, ओके, उसके बाद चार। अब सर अब इसको जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे? सर कॉपी दिखाऊं मैं? सर क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। यस, 5 के आगे माइनस लगा। बच्चों ऐसे देखो, बार बार बीच में मत बोलो कि मैं कॉपी दिखाऊं। मुझे जिसकी कॉपी देखनी होगी मैं अपने आप उनका नाम लेके बोल दूंगा, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है। सर जिनसे मैं पूछ रहा हूँ उनको आप बोलने दीजिए, जिनका माइक ऑन है। हाँ जी, तो इनको हमने जोड़ा क्योंकि 5 के आगे भी माइनस है, 4 के आगे भी माइनस है, चिन्ह एक जैसे है तो जोड़ते हैं हम। तो 5 और 4 9 हुआ, और इसमें से बड़ी संख्या क्या है? 5, उसके आगे माइनस लगाया तो यहाँ भी माइनस लग गया, तो इसका आंसर हुआ -5। ठीक है, चले माइक बंद कर लो अब सभी लोग। आया समझ में? एक और सवाल कर लो, 12 - -4 + -11 12 - -4 + -11 इसको सॉल्व करिए, और मैं जिसका नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएंगे। सर एक बार दोबारा बताना, स्क्रीन पर लिखा है आप वहां से देख सकते हैं, 12 - -4 + -11 इसको सॉल्व करिए, और जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही अपना कैमरा ऑन करेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेंगे कुछ भी, उससे क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप बस इतनी सी कर लो पहले सभी लोग। इस बार मैं कॉपी देखूंगा जिनकी मैंने एक बार भी नहीं देखी है अभी तक कॉपी, कोशिश करूंगा उनकी देखी जाए इस बार। सुरेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं आप दिखाइए कॉपी। हाँ जी, सुरेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपनी कॉपी दिखाइए। शायद क्लास उन्होंने लेफ्ट कर दी है, ठीक है। गौरव रांगे नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए। ओके गौरव, गौरव 16 - 11 कितना होगा? गौरव आपने 16 - 11 27 कर दिया है। इसको ठीक करो गौरव, 16 - 11 को ठीक करो, आपने गलती से 27 कर दिया है। तो छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिससे आपको बचना है, ठीक है। हाँ जी, देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं आप दिखाएंगे अपनी कॉपी। मोहित नाथ नाम से जो स्टूडेंट हैं आप दिखाएंगे अपनी कॉपी।
ओके मोहित, वेरी गुड वेरी सर गुड। मैं दिखाऊं? हाँ भारत, दिखाओ अपनी कॉपी आप। एक मिनट सर रुकना। जल्दी दिखाइए। देवा कश्यप को मेरी आवाज आ रही है, देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं। मिस्टर विलन सर मैं दिखाऊं? हिमेश, एक मिनट। हाँ भारत, दिखाओ कैसे किया आपने, क्या आंसर आया आपका। 12 माइनस माइनस 4 गलत है। 12 सर माइनस माइनस 4 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस करोगे ना भारत। मैं दिखाऊं? परीक्षित, आपकी एक बार कॉपी मैंने देख ली है शायद, तो अभी मैं उन बच्चों की देखूं। भारत दोबारा से चेक करो। हाँ हिमेश, दिखाइए अपनी कॉपी। वेरी गुड, ओके हिमेश, वेरी गुड, आपका भी ठीक है। सर चलिए, अब हाँ अब ठीक है, अब सर ठीक मैं है, दिखाऊं? सर मैं दिखाऊं? बस बस बस, अब अगली बार देखूंगा। तो यहां पर 12 ऐसा कैसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 11, ठीक है। अब 12 कैसा है प्लस का, 4 कैसा है प्लस का, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो हम जोड़ते हैं, तो 12 और 4 कितना हुआ 16। 12 और 4 में से बड़ी संख्या क्या है 12, उसके आगे क्या है प्लस, तो इसके आगे भी क्या आएगा प्लस, उसके बाद आया माइनस 11, तो 16 कैसा है प्लस का, 11 कैसा है माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो इनको घटा देंगे, तो 16 में से 11 गया तो बचा 5, और 16 और 11 में से बड़ा क्या है 16, उसके आगे क्या लगा है प्लस, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा प्लस, तो आपका आंसर क्या आया 5। आया समझ में, मैं वही काम कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, तीन काम, पहले चिन्हों की गुणा कर रहा हूँ जो एक साथ आ रहे हैं, उसके बाद अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ रहा हूँ, अलग अलग है तो घटा रहा हूँ, और आंसर के चिन्ह को वो रख रहा हूँ जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, ठीक है। तो पोल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब ये है आपके लिए सवाल, इसका आपको आंसर करना है, ध्यान से करना, पोल में आंसर करना है सभी लोगों को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। हाँ जी करिए, करें सभी लोग इसका। अभी सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, सर हाँ जी सर मेरा गलती से गलत जगह पर टिक लग गया सर, बी पे लग गया सर टिक। कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं हो सर मैं सकता, आप वोट कैमरा करने ऑन से पहले। करके नहीं 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 कैमरा ऑन करके मत दिखाओ, मुझे पता है आपने ठीक किया होगा, लेकिन हाँ वोट करने से पहले एक बार देख लिया करो, क्योंकि अगर वोट हो जाता है ना उसके बाद फिर चेंज नहीं हो पाता, जब आप वोट का बटन दबाते हो ना उससे पहले आप देख लिया करो आपने टिक कहाँ पर किया, ठीक है, जल्दबाजी मत करो, कोई बात नहीं, बाकी लोग करिए, ध्यान से करना बाकी लोग।
पोल में हर बच्चे को आंसर करना है। अगर कोई बच्चा आज पहली बार क्लास में आ रहा है या बहुत दिन बाद क्लास में आ रहा है या ना पता हो कैसे पोल में आंसर करना होता है तो पूछ लेना, लेकिन आंसर सभी को करना है। अपनी कॉपी में सॉल्व करो ध्यान से, जो मैंने रूल बताए वो रूल फॉलो करो, अपनी कॉपी में करो, जो आंसर आया उसको फिर टिक करके वोट करो, लेकिन करना सभी को। शुरू में जिन बच्चों ने आंसर दिया था वो उन्होंने सबने सही दिया था, लेकिन अभी फिर जो बाद में आंसर आए वो गलत आए हैं। यस, लास्ट 10 seconds। लास्ट 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। 15 लोग का आंसर। हाँ जी सर, आप कैमरा ऑन करके दिखा सकता हूँ सर मैं? आप ऐसे ही बता दो आपका आंसर क्या है। सर मेरा आंसर आया सर -19। ठीक है आपका आंसर। सर मैं बताऊंगी, क्या सर मैं बताऊंगा सर। आंसर नहीं बताना आप, मैंने उनसे आंसर इसलिए पूछा क्योंकि उन्होंने गलत आंसर टिक कर दिया था, मैं बता रहा हूँ ना आंसर आपको। थोड़ा वेट करो, ऐसे माइक ऑन कर करके मत बोलो, ठीक है? डिस्टरबेंस होता है, टाइम वेस्ट होता है, बाकी कुछ नहीं होगा इस चीज। जब मैं कहूँ कि जिसका नाम लू बोल बताओ, बाकी लोग शांति से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तो -11 + -5 + -3 इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले क्या आएगा, -11 + -5 + -3। अब ऐसा सवाल हमने अभी किया था, 11 के साथ क्या है माइनस है, 5 के साथ भी क्या है माइनस है, चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ देते हैं, तो 11 और 5 कितना हो गया 16, और 11 और 5 में से बड़ा क्या है 11, 11 के आगे क्या लगा है माइनस, तो इसके आगे भी लग जाएगा माइनस, इसके बाद आया -3, ठीक है? अब 16 के साथ क्या लगा है माइनस, 3 के साथ क्या लगा है माइनस, चिन्ह एक जैसे हैं तो हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बचा 19। अब 16 और 3 में से बड़ा क्या है 16 के आगे क्या लगा है माइनस, तो आंसर में भी लग जाएगा माइनस, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी -19। आया समझ में? जिनको डाउट है पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। बताइए सबको समझ में आया? अगला सवाल करें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बस एक चिन्ह बदला है, उसमें प्लस था, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर -11 + -5 + -3 था, इस बार -11 - -5 + -3, तो इसको सॉल्व करें। और पोल में इस बार वोट करने से पहले एक बार देख लेना कि आपने कहाँ पर क्लिक किया है, फिर वोट करिए सभी लोग। यस करिए। हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आया है, उनका आंसर सही है। दो लोगों का आंसर आया, दोनों का सही है। सर जी हो गया, जिनका हो गया वेट करो, बाकी लोगों को भी करने दो, जैसे ही सबका हो जाएगा फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि गलत अभी भी कर रहे हैं लोग।
अभी करिए। सभी लोगों को आंसर करना है। हो गया सर। सभी लोगों को करने दीजिए, अभी काफी लोग बचे हुए हैं, सभी को आंसर करना है। हो गया सर मेरा भी। जिनका हो गया वेट कर लो, हर क्लास में मैं आपसे यही चीज बोलता हूँ। बाकी किसी क्लास में इतनी डिस्टरबेंस नहीं होती माइक ऑन कर करके, लेकिन इस क्लास में बहुत ज्यादा होती है और पिछली 2-3 क्लास से ज्यादा होगी। तो ये डिस्टरबेंस आप लोग खुद ही कम करिए, नहीं तो फिर मुझे सबके माइक यहाँ से बंद करने पड़ेंगे। अगर आपका हो जाता है तो वेट कर लो, क्योंकि बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना, उनको भी करने दो। 10 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें, 10 सेकंड है आपके पास। अभी भी काफी लोगों ने गलत दिया है और काफी लोगों ने आंसर ही नहीं किया है, यानी अभी समझ नहीं आया है बच्चों। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, सर मेरे में टाइपिंग नहीं चल रही। 3, 2, 1 मिनट रुक जाओ सर, 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत होते हैं, मैं बस 15 सेकंड और रोकूंगा। टाइपिंग का क्या काम है, इसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पोल में आंसर करना, आपको पोल में आंसर करना आता है गौरव? देखो पोल में कैसे आंसर करना होता है, सबसे पहले आप जो 3 डॉट है उन पर क्लिक करो, उसके बाद जाओ एक्टिविटीज में, सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिविटीज का। चैट में आंसर नहीं करना है, एक्टिविटीज में जाओ। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको दिखेगा 1 पोल एक्टिव, फिर उस पर क्लिक करो। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर क्लिक कर दो और वोट कर दो। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है भाई, आधे लोगों का तो गलत ही है। और ये एक ऐसी चीज है जो आप नहीं सीखोगे तो बहुत दिक्कत होगी आगे मैथ पढ़ने में, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली। ठीक है, ये माइनस प्लस का खेल ही मैथ है, और अगर यही आप नहीं समझोगे तो ये समझ लो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आगे जो भी आपके चैप्टर्स पढ़ोगे उनमें। तो -11 -5 +-3, सबसे पहले -11 आ गया। मैंने आपको बताया था अगर 2 चिन्ह एक साथ आ जाए तो उनकी गुणा होती है, तो माइनस और माइनस की गुणा के हो जाएगा +5। फिर प्लस और माइनस एक साथ आ गए तो इनकी गुणा हो जाएगी, प्लस माइनस क्या हुआ, -3। इसके बाद इन दोनों को लो, पहले -11 + 5 कितना होगा, तो -11 कैसा है माइनस का, 5 कैसा है प्लस का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं संख्याओं के तो उनको घटाया जाता है, तो अब 11 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 6। और इसका चिन्ह क्या आएगा, 6 का, जो इनमें से बड़ी संख्या का है। 11 और 5 में से बड़ा क्या है, 11। 11 क्या है, माइनस, तो यहां पर आ गया माइनस। इसके बाद -3। अब 6 कैसा है, माइनस का है। 3 कैसा है, माइनस का है। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 6 और 3 हो गया 9, और 6 और 3 में से बड़ा क्या है, 6। 6 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस। तो आपका आंसर क्या आया, -9, ऑप्शन बी। आया समझ में, सभी को समझ में आया?
आप बोलते हो समझ में आ गया लेकिन करते गलत हो, ऐसा क्यों भाई? समझ में आ गया तो सही करना चाहिए ना सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है इसको तो सभी लोग सही करना। 15 - 12 + - 3 बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल हमने किया ही नहीं है अभी तक। पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। सर कर दिया, बहुत आसान था। जिनका होता जाए वो चुपचाप बैठे रहो, माइक ऑन माइक ऑफ करके बोलो मत, वेट करो बाकी लोगों का। 5 लोगों का आंसर आया, उसमें से 3 का गलत है, 2 का सही है। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, बस क्वेश्चन आया और कुछ भी ऑप्शन लगा दो वोट कर दो, उससे नुकसान आपका ही है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। अगर कॉपी में सॉल्व करोगे तो उन क्वेश्चन ये हो जाएंगे। दो बालक हो, विपिन सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, क्या बोल रहे हो, कुछ बोलना चाहते हो क्या? हाँ जी करिए सभी लोग, सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पोल में कैसे आंसर करते हैं पता है ना सभी को, जिनको ना पता हो पूछ लो। सर मुझे नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले आप 3 जो डॉट है उन पर क्लिक करो, जैसे आप चैट पे जाते हो 3 डॉट पे क्लिक करो। पहले कर दिया 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में होगा ऑप्शन एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पर क्लिक करो। कर दिया सर। उसके बाद लिखा रहा होगा 1 पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करो। कर दिया सर। उसके बाद 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD। सर ये बताना, जो भी ऑप्शन ठीक है उस ऑप्शन पे टिक करो और वोट कर दो। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4 जी 10 सेकंड रह जाने को। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड और लग जाता है। सर मेरा हो गया सर, मैं अपनी कॉपी दिखाऊं? नहीं कॉपी नहीं दिखानी, जब तक मैं किसी को ना बोलूं आप कॉपी किसी को नहीं दिखानी। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी बहुत लोगों ने गलत किया, आसान से सवाल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमें। 15 - 12 + - 3 तो सबसे पहले तो 15 में से 12 घटाओगे तो 3 बचेगा, ये तो आपको पता ही है। प्लस माइनस माइनस 3 और 3 में से 3 घटाओगे तो आ गया 0। दोबारा देख लो सबसे पहले 15 - 12 + - क्या होगा, -3। 15 में से 12 घटाओगे तो 3 बचा, -3, और 3 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। तो ये आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 0। रिपीट करिए सर, रिपीट करिए। क्वेश्चन था 15 - 12 + -3। 15 ऐसे ही रहा, -12। अब ये प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ गए तो इनकी गुणा होगी, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, यहां पर बचा 3। अब 15 कैसा है प्लस का, 12 कैसा है माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है हमें इनको। 15 में से 12 घटाओगे तो क्या आएगा, 3, और 15 और 12 में से क्या बड़ा है, 15। 15 कैसा है प्लस का, तो ये भी प्लस का रहेगा। ठीक है, इसके बाद -3। अब 3 - 3 तो 0 होते ही है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिवीजन यानी भाग की।
ये आसान टॉपिक है तो इसको ध्यान से समझ लो सभी लोग, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें मुझे क्या करना होता है, अगर मैं आपसे कहूं माइनस चार को भाग करो माइनस दो से, माइनस चार को भाग करो माइनस दो से, ठीक है, और मैं कहूं माइनस चार को भाग करो दो से, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप लोग बताओ। देखो माइनस चार को, माइनस चार को जब दो से, माइनस दो से भाग करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस चार बटे माइनस दो। ध्यान से सुनना सभी लोग, मैंने क्या लिख दिया, माइनस चार भाग माइनस दो को माइनस चार बटे माइनस दो, ठीक है। अब देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो मैं माइनस से माइनस काट सकता हूं, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो मैंने माइनस से माइनस काट दिया, तो ये क्या बन गया चार बटे दो। और जब आप चार को दो से भाग दोगे तो क्या आएगा, तो इसी तरीके से ये था माइनस चार को भाग करना है दो से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा माइनस चार बटे दो। अब ये माइनस तो कट ही नहीं सकता क्योंकि नीचे माइनस है ही नहीं, जब नीचे माइनस था तभी तो मैंने माइनस से माइनस काटा, अब तो मैं इसको काट ही नहीं सकता, तो क्या हो गया नहीं काट सकते, कोई बात नहीं अपने पास रखो इसे, अपने पास रखने का मतलब अपने आंसर में रखो। तो आंसर में आया पहले माइनस, ये वाला माइनस जैसा है वैसा का वैसा आ गया, और अब चार को दो से भाग करोगे तो क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या आया माइनस दो, ठीक है। तीसरा एक और मैं अगर कहूं कि चार को भाग करो माइनस दो से, चार को भाग करो माइनस दो से, तो इसमें भी मैं क्या लिखूंगा इसको चार बटे माइनस दो। अब यहां पर भी माइनस नहीं कट सकता ये, क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है, अगर माइनस ऊपर और नीचे होता तभी तो मैं काटता इसको, अब ये माइनस कट ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है, तो ये माइनस जैसा है वैसा अपने आंसर में ले जाओ। देखो अगर ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस काटो, नहीं तो वो माइनस आपके आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आपके आंसर में आ गया, चार को दो से भाग करोगे तो आया दो, तो माइनस दो। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम दो इंटीजर से दो पूर्णांक को भाग कर रहे हैं और एक माइनस आ रहा है तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा, और अगर दो माइनस आ रहे हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर प्लस में आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान सी मैंने लाइन बोली है कि अगर क्वेश्चन में एक माइनस आ रहा है तो आंसर में वो माइनस वैसा का वैसा आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन में दो माइनस आ रहे हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर प्लस में आया। सबको समझ में? फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा नाम लेकर, उनको एक्सप्लेन करना है जिसका मैं नाम लूंगा, इसलिए अगर डाउट है तो पूछ लो अभी भी, अगर डाउट है अभी भी तो पूछ लो, फिर मैं पूछूंगा आपसे। किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ आ गया, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। मेरा सवाल है, और जिसका मैं नाम लूंगा वही माइक ऑन करके एक्सप्लेन करेगा, माइनस बीस को भाग करना है चार से, माइनस बीस को भाग करना है चार से, और जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा। यस, तो मुझे बताएंगे राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका। अभी मैंने एक चीज बताई थी, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो, अगर आपसे कोई बात कर रहा है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप कुछ आंसर नहीं कर रहे हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपसे अगर मैं बात कर रहा हूँ आपका नाम ले रहा हूँ तो आंसर तो करो। राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं बताइए माइनस बीस को चार से जब भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा। रीना पार्चा नाम से जो स्टूडेंट है आप बताइए क्या आंसर आएगा, माइक ऑन करके बताइए। जल्दी बताओ, फिर पोल में भी क्वेश्चन करने हैं हमें, टाइम बहुत कम है। नहीं पता, ओके, ये कैसा जवाब हुआ नहीं पता। मैंने समझाया था अभी, आप ऐसे कैसे कह सकते हो नहीं पता, आप ये कह सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, आप ये मत कहो कि नहीं पता। मेहता
मेहताब आप बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर आया आपका? माइक ऑन करके बता दो, कॉपी में कुछ नहीं दिख रहा, माइक ऑन करके बता दो क्या आंसर। अच्छा -5, ओके ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताइए, नहीं भारत रुक जाओ, और भी लोग हैं जो जिनका भी नंबर नहीं आया, एक भी बार उनसे पूछ लो। योगेश आंटिल नाम से जो स्टूडेंट है आप बताइए। सर मेरा भी नंबर नहीं आया। अच्छा मोहित एक मिनट, अच्छा मोहित बताओ, मोहित कश्यप बताइए सर, बताइए सर इसमें -20 बड़े में 4 लिखेंगे। हाँ जी तो सर एक माइनस का है तो एक प्लस का है सर। हाँ जी तो माइनस का ही रहेगा सर, तो इसकी हम डिवाइड करेंगे ना तो -5 आंसर आएगा। वेरी गुड, तो देखो माइनस का है प्लस का है, ऐसे याद मत रखो, आप ऐसे देखो यहाँ पर एक माइनस है तो ये माइनस तो साथ ही जाएगा आपने, क्योंकि इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, कट नहीं रहा किसी से, ये माइनस किसी से कट नहीं रहा, तो इसको ऐसा ऐसे ही रखा माइनस को, और 20 को 4 से भाग करा तो 5 आया, तो इसका आंसर क्या आया -5। और अगर मैं कह देता, मान लो अगर मैं कह देता -20 को भाग करना है -4 से, तब हो जाता हमारा काम, तब क्या होता कि -20/-4 है, तो ये माइनस ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, तो ये कट जाते एक दूसरे से, तो अगर ये कट जाते तो ये बचता सिर्फ 20/4, और 20/4 कितना होता है 5। तो मैंने ये बताया था अगर आपके सवाल में एक माइनस आ रहा है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर आपके सवाल में 2 माइनस आ रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है? यस सर। ओके चलिए, तो पोल में क्वेश्चंस करते हैं, पहले इनके आंसर बता दो जल्दी से, ठीक है? प्रिंस आर्मी का फैन नाम से जो स्टूडेंट है बताइए इसका आंसर बताइए। चलिए दूसरे बात, हाँ इसका सेकंड का, इसका आंसर क्या होगा? प्रिंस आर्मी का फैन नाम से जो स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं आपका नंबर नहीं आया, इसको एक्सप्लेन करिए क्या आंसर आएगा इसका। -12 को भाग करना है -4 से, तो ये हो जाएगा -12/-4, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या बचा 12/4, और 12 को जब 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा 3। इसी तरीके से ये है 12/-4, तो यहाँ पर एक माइनस है, तो ये माइनस ऐसा का ऐसा हमारे आंसर में चला जाएगा, और 12 को जब 4 से भाग करोगे तो 3 आएगा, तो इसका आंसर क्या आया -3, ठीक है? इसी तरीके से इसका भी आंसर -3 आएगा, और इसका क्या आएगा 3। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सवाल है -50 को भाग करना है -5 से, -50 को भाग करना है -5 से, सभी लोग करें, और पोल में आंसर करिए सभी लोग, बहुत आसान सवाल है, इसको तो गलत मत करना प्लीज, बहुत आसान सवाल है। डन हो गया सर, जिनका हो जाए वेट कर लो। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि कुछ बच्चे जानबूझ के सवाल गलत करते हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो इसमें बोला गया है -50 को भाग करना है किससे, -5 से, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, -50 को भाग करना था -5 से, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा सिर्फ 50/5, और 50 को जब 5 से भाग करोगे तो क्या आया 10, तो इसके सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 10। अगर सवाल में एक माइनस होता, मान लो ये होता -50/5 या होता 50/-5, तो ये एक माइनस है, जो ये एक है ये कटेगा नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा ही हमारे आंसर में आ जाएगा, तो आ जाता -10, इसका भी क्या आ जाता -10। एक सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है तो वो कट जाएंगे, और अगर नहीं है तो वो माइनस हमारे आंसर में चला जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके का अगला सवाल करते हैं, इसका आंसर था 10। -169 को भाग करना है 13 से, -169 को
भाग करना है 13 से, करिए। सभी करें, -169 -169 को भाग करना है 13 से। हाँ, एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया, पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर्स किए थे उनके नाम लेने। हाँ, तो उनके नाम है जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे, अंश, गौरव, साक्षी, प्रिंस आर्मी का फैन, मोहित कश्यप, मनीष, रीना पारचा, हो गया, परीक्षित, देवा कश्यप नाम से हैं, मोहित नाथ नाम से हैं, भारत मेहता एंड सुमित कुमार। तो ये वो अच्छे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। ओके, यस, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। सर -13। ओके, तो इसमें हमें क्या करना था, -169 को भाग करना था 13 से, ठीक है। अच्छा, राजेश नाम से जो स्टूडेंट है, आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन अभी? राजेश नाम से जो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी माइक ऑन करके -13 बोला, बताओ कैसे आया -13, बताएंगे आप कैसे आया -13? सर मैं आंसर दिखाता नहीं, राजेश नाम से जो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी माइक ऑन किया। सर मैं एक्सप्लेन करूं? रुकिए मोहित, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, आपको हिंदी समझ में आती है ना सभी को? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जब मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो सिर्फ माइक ऑन करे, बाकी लोग मत बोला करो। राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए कैसे किया आपने सॉल्व? देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप किसी का आंसर सुनकर मत सर, मैं बताऊं सर, इसका 13 मैं ही बता देता हूं। नो सर, नो सर। कैसे, 13 या -13 है? राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए 13 है या -13 है? सर -13 है। कैसे? सर जो आप पहली रकम में सर माइनस लिखा हुआ है। अच्छा, देखो भाई ध्यान से सुनो, इसका मतलब है -169/13, ठीक है। अपना माइक बंद कर लो, राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक बंद कर लो। ये माइनस ऐसा कैसा ही रहेगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये माइनस ऐसा कैसे ही रहा, 169 को जब आप 13 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 13 1 + 13 बचा 3 और 9 13 3 39, तो आपका आंसर क्या आया, 13। तो -13 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एक और सवाल करें, बताओ। यस सर। ठीक है, यस सर। 1020 को भाग करना है -10 से, और मैं जानता हूं इसको बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले, आप लोग गलती करोगे इस क्वेश्चन में भाग में, तो ध्यान से करना थोड़ा। 1020 को भाग करना है -10 से, करें। जिनको कॉन्सेप्ट पता है, जिनको बेसिक्स पता है, जिन्होंने पहले से क्लास की है, या अगर क्लास भी नहीं की है और उनको पता है तो वो इसको कर लेंगे, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता, वो इसमें सर, मैं बता सर। नहीं, अभी मत बताओ यार, मैं एक काम करता हूँ, आप सबके माइक बंद ही कर देता हूँ।
और अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे, पिछले दो तीन क्लासेस से आप ऐसा ही कर रहे हो, बोले जा रहे हो माइक ऑन कर करके बिना मेरे किसी का नाम लिए, तो मैं माइक बंद रखूंगा आपका पूरी क्लास में। जब मुझे किसी से कुछ पूछना होगा तभी मैं माइक ऑन करूंगा, अदरवाइज आप सबके माइक अब बंद रहेंगे। हाँ जी, क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बाकी किसी क्लास में नहीं होती, इस क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, और ये तब से हुई है जब से कुछ न्यू स्टूडेंट आके आए हैं या जो छुट्टियों के बाद आए हैं, तो वो सभी लोग ध्यान से सुने जो न्यू स्टूडेंट हैं। आप थोड़ा क्लास में डिसिप्लिन बनाकर रखें जैसे बाकी लोग बनाकर रखते हैं, जब आपका नाम लिया जाए तभी आप माइक ऑन करके आंसर करें या कैमरा ऑन करके आंसर दिखाएं, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो इसमें मुझे 1020 को भाग करना था माइनस 10, तो ये तो सिंपल सा है, 1020 को भाग करना है माइनस 10 से, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गई, तो ये क्या बचा, माइनस 102। गलतियां कहाँ की कर सकते हो आप, जो की भी है एक दो बच्चों ने, जब ये भाग होगा 1020, तो कुछ बच्चों ने इसको ऐसे भाग कर दिया है, 10 एकम 10, 2 0, 10 दूनी 20, ये गलत है। भाग कैसे करना है इसको, जब भी आप भाज्य से दो संख्या एक साथ उतारो, ठीक है, आपने पहले 2 लिखा यहाँ से, तो ये 10 से कटेगा नहीं, फिर ये 0 भी आपको लिखनी पड़ेगी, तो जब भी आप दो संख्या एक साथ लेते हो तो यहाँ पर एक 0 आ जाती है, और 10 दूनी कितना होगा फिर 20, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, -102, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है आपके। ओके, इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखें सर, होमवर्क। हाँ सॉरी, होमवर्क लिख देना है। हाँ होमवर्क लिख लो आप, 2 क्वेश्चन कर लेना। पहला सवाल कर लेना आप, 2040 को भाग करना है -5 से, और दूसरा सवाल आप कर लेना, 216 को, -216 को भाग करना है -2 से। ये आपका होमवर्क, ठीक है। यस, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।